हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बायोलॉजी इन हिंदी चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि आप गुरुदक्षिणा के रूप में प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे द्वारा जारी किए गए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं आपको डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से एमआरएनए का या डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है डीएनए पर किस तरीके से आरएनए का बनना है, ये प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा कि डीएनए का वह भाग जो आरएनए को बनाने में या आरएनए के अनुलेखन या आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं। तो डीएनए का वह भाग या वह खंड जो एमआरएनए को बनाने में, या एमआरएनए नहीं, कोई भी आरएनए को बनाने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए का वह खंड जो आरएनए को बनाने में सहायता करता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। क्योंकि एक डीएनए से ही एमआरएनए का बनना है, यही कहलाता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए का वह खंड जो आरएनए को बनाने में भाग लेता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, ये होता है प्रमोटर रीजन। डीएनए पर वह खंड, माना कि ये तीन यूनिट होते हैं, एक होता है प्रमोटर रीजन, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर रीजन। ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है डीएनए का वह खंड जो एमआरएनए को बनाने में भाग ले। तो मान सकते हैं कि डीएनए का यह खंड प्रमोटर है। और एक बात आपको बता दूं कि जैसे डीएनए से डीएनए बनता था, डीएनए रेप्लिकेशन जो आपको बताया है, वह हमेशा 5-2-3- होता था, तो ट्रांसक्रिप्शन भी 5-2-3- ही होता है। मतलब जो एमआरएनए बनेगा, माना ये आरएनए जो बनेगा वह हमेशा 5-5-2-3- डायरेक्शन में ही होगा। तो 5-3- डायरेक्शन में होने के लिए पैरेंट का जो स्टैंड होना चाहिए वो 3-2, 3-2, 5- एंड होना चाहिए। तो इसमें डीएनए का तीन, हमने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन रीजन होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर और टर्मिनेटर रीजन। ये इतना भाग प्रमोटर रीजन, कुछ सीक्वेंस होते हैं जो प्रमोटर रीजन का वर्क करते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ भाग जो एमआरएनए जहाँ तक बनता है वो कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। और वह भाग डीएनए का वह भाग जहाँ पर आरएनए का बनना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं टर्मिनेटर रीजन, उसे कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। फिर से सुन लीजिए सही से कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का पहले तो मतलब क्या होता है। तो जैसे कि दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर रीजन। एमआरएनए प्रमोटर रीजन से बनना स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल रीजन तक बनता है और टर्मिनेटर रीजन पर जैसे ही पहुंचता है वह एमआरएनए बनना
बंद हो जाता है। मतलब प्रमोटर रीजन का वर्क होता है कि ये स्टार्ट साइट कहलाता है, मतलब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल जीन तक बनता है, और टर्मिनेटर को कहते हैं स्टॉप साइट। टर्मिनेटर पर आकर एमआरएनए का बनना बंद हो जाता है। तो अभी फिर से यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है कि डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए या आरएनए को बनाने में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। इसके तीन भाग हैं, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन जो कि कुछ सीक्वेंस को कहते हैं, प्रमोटर रीजन को स्टार्ट साइट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ही, आपको बता दें कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम हेल्प करता है उस एंजाइम को कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए का बनना जो रेप्लिकेशन था उसमें हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए को बनने में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने के लिए स्थान देता है प्रमोटर रीजन, आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए स्थान देता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर जुड़ता है, उसके बाद एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर। एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इससे जैसे ही जुड़ता है प्रमोटर से, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन तब तक होता रहता है, ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के सीक्वेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और आरएनए का इसी तरीके से आरएनए का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ता है। तब तक आरएनए बनता रहता है। ये आरएनए का स्ट्रैंड थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, अभी आपको डिटेल बताएंगे कि ये आरएनए का स्ट्रैंड बनाते हुए तब तक बढ़ता रहता है आरएनए पॉलीमरेज जब तक कि टर्मिनेशन रीजन पे ना पहुंच जाए। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचता है, एक अन्य कारक, एक अन्य फैक्टर जिसे कहते हैं रो फैक्टर, इस आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है। जैसे ही रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज निकल जाता है बाहर और एमआरएनए या आरएनए निकल कर बाहर चला जाता है डीएनए से। अब हम आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल बताते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये है एक डीएनए, फिर से बताएंगे कि डीएनए का वह स्ट्रैंड। अब देखिए, डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए को बनाने में भाग लेता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन वो होता है जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट इनिशिएशन साइट होता है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। टर्मिनेटर रीजन वो होता है जहाँ पर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, मतलब एमआरएनए का बनना बंद हो जाता है। सबसे पहले प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही जुड़ता है वो तब तक अपना काम शुरू नहीं करता आरएनए पॉलीमरेज, जब तक कि इस पे एक फैक्टर जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर आकर न बैठ जाए। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आकर बैठता है, आरएनए सिंथेसिस बिगिंस। ये आरएनए है, आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है और ये आगे बढ़ते हुए डीएनए के स्ट्रैंड पर तब तक बनाता रहता है जब तक कि ये टर्मिनेशन रीजन पर ना पहुंच जाए। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन रीजन पर पहुंचता है, एक अदर फैक्टर जिसे कहते हैं रो फैक्टर को इस सिंबल से भी डिनोट किया जा सकता है, सिग्मा फैक्टर को इस सिंबल से भी डिनोट किया जा सकता है। रो फैक्टर आकर इससे आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर जुड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रुक जाता है। आरएनए जो कम्प्लीटली बन चुका है वो यहाँ से निकल कर, चूँकि ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस से आरएनए बाहर निकल कर कहाँ पर पहुँच जाता है, साइटोप्लाज्म में। इतना प्रोसेस होता है टोटल। अब यदि आपको हम डीएनए के द्वारा दिखाना चाहें तो हम आपको इस तरीके से दिखाते हैं।
डीएनए का स्ट्रक्चर हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, तो उसमें आप पता कर सकते हैं कि ये रेड कलर का क्या होता है। ये रेड कलर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और ये बैकबोन होता है ब्लू कलर लाइन, ये आपको हम अपने वीडियो में बता चुके हैं पहले। तो इस तरीके से हम सिर्फ आपको दिखाएंगे कि आप कैसे पहचाने कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, मतलब आरएनए बन रहा है या फिर डीएनए बन रहा है। तो हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि हमेशा ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में 5-2 3- में होता है। इसके लिए पेरेंट का स्ट्रैंड चाहिए 3-2 5-, मतलब ये 3-2 5-, यही कहलाता है जो आरएनए को बनाता है। मतलब 3-2 5- इंड ही बनाता है एमआरएनए को, या आरएनए को डीएनए का 3-2 5- इंड, इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड डीएनए का, वह स्ट्रैंड जो एमआरएनए को नहीं बनाता है उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इसके नाम से ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ को कोड करता है, लेकिन ये गलत है। ये स्ट्रैंड 5-2 3- स्ट्रैंड किसी को भी कोड नहीं करता, इसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। एमआरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनना स्टार्ट होता है, चूँकि 3-2 5- है, और बनना किधर से है, 5-2 3-, तो 3-2 5 है तो बनेगा इधर से 5-2 3-। अब ये एमआरएनए स्टार्ट होता है बनना, पहले भी बता चुके हैं कि न्यूक्लियस में पहले से ही न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ये नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। इसका भी डिटेल हम आपको बता चुके हैं अपने पहले के वीडियो में। तो आरएनए को पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसमें यूरेसिल पाया जाता है। अब जैसे जैसे डीएनए पर जो सिक्वेंस होगा, जैसे जैसे डीएनए पर एडेनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये अगर सीक्वेंस है तो एमआरएनए बनता है। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है, चूंकि एमआरएनए है तो एमआरएनए पर थाइमिन पाया नहीं जाता, तो इस यूरेसिल एडेनिन के साथ हमेशा यूरेसिल जुड़ता है, और साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। एमआरएनए पर अगर यदि टी है तो यहाँ पर एडेनिन जुड़ता है डबल बॉन्ड के थ्रू, ग्वानिन है तो साइटोसिन जुड़ेगा 3 बॉन्ड के थ्रू, और फिर एडेनिन है तो एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है डीएनए में, इन डीएनए, और साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ता है। लेकिन जब आरएनए की बात आता है तो आरएनए हमेशा एडेनिन के साथ यूरेसिल के साथ जुड़ता है आरएनए में, क्योंकि आरएनए में थाइमिन पाया नहीं जाता। तो यहाँ पर एडेनिन के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, यूरेसिल आरएनए में, इस तरीके से एमआरएनए बनता हुआ तब तक जाता है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, तब तक बनता है जब तक ये टर्मिनेशन रीजन पर ना पहुंच। जैसे ऐसे ही टर्मिनेशन रीजन पर पहुंचता है एमआरएनए बाहर निकल जाता है। इस तरीके से एमआरएनए यहाँ से बनकर 5-2 3- 5-2 3- डायरेक्शन में बनकर निकल आता है। यदि आपको और डिटेल में समझना है कि कैसे, तो एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ये डीएनए का सीक्वेंस है माना, यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन है तो थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानोसिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, थाइमिन है तो एडेनिन, और एडेनिन है तो थाइमिन, इस तरीके से। सबसे पहले डीएनए पर एक एंजाइम जिसे कहते हैं
जिसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर बैठ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, पहले ही बता चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, पहले भी बता चुके हैं कि न्यूक्लियस में पहले से ही न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, ये है बैकबोन, फास्फेट प्लस शुगर, और ये नाइट्रोजन क्षार होता है, यही न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। एडेनिन पाया जाता है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड होगा उसी के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहते हैं। जैसे साइटोसिन है तो यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन जुड़ेगा, फिर ग्वानिन है तो साइटोसिन, एडनिन है तो थाइमिन जुड़ेगा, सॉरी एडनिन है तो यहाँ पर थाइमिन नहीं जुड़ेगा क्योंकि थाइमिन आरएनए पर नहीं पाया जाता है, यहाँ पर यूरेसिल जुड़ेगा, यहाँ पर यूरेसिल जुड़ेगा, और थाइमिन है तो यहाँ पर एडनिन जुड़ेगा, एडनिन है तो थाइमिन जुड़ेगा, साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन, फिर यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर एडनिन की जगह पर यूरेसिल जुड़ेगा, एडनिन के साथ यूरेसिल जुड़ेगा और साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ फिर साइटोसिन, फिर एडनिन है तो फिर यहाँ पर थाइमिन नहीं जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा।